दिल्ली शराब घोटाले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सतेंद्र जैन, उसके बाद में मनीष सिसोदिया, उसके बाद में संजय जैन। हमारे बीच में शिव कुमार कौशिक जी हैं, जो कि वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। कल 2 तारीख है, कल अरविंद केजरीवाल को ईडी ने संबंध भेजा है। सर, क्या कहना चाहेंगे कल अरविंद केजरीवाल के बारे में? राहुल भाई, बड़ी स्पष्ट बात है कि पाप का घड़ा भर चुका है, और जिस तरीके से एक एक करके ये सरकार के मंत्री विधायक जेल में जा रहे हैं, इससे बिल्कुल साफ और स्पष्ट होता है कि ये लोग कोई समाज सेवा के लिए नहीं आए थे, ये केवल अपनी दो दो तीन तीन पीढ़ियों का व्यवस्था बनाने के लिए आए थे, और इन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी। ये वही केजरीवाल है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिसने कभी अन्ना आंदोलन में ये बात बोली थी, और बड़ी स्पष्ट है, वीडियो आप यूट्यूब पर डालो मिल जाएगी, कि कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, ठीक है, और 85 लोगों की ये लिस्ट लेकर घूमते थे कि ये इनसे बड़े भ्रष्ट लोग कोई नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, एक बैग लेकर चला करते थे, और बोलते थे कि हम जब भी ये लोकपाल बिल बनेगा तो मान के चलो कि कम से कम 85 लोग जेल जाएंगे लोकपाल बिल बनते ही। ये वही व्यक्ति है कि आज उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है, और वो सरकार जो राष्ट्र के हित में काम कर रही है, जिसको न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि आज भारत की जो स्थिति है, जहां पे पूरी दुनिया में स्लो डाउन का माहौल बना हुआ है, चाइना जैसी कंट्री जो एक मजबूत कंट्री है, उसके बावजूद जिसकी स्थिति दामाडोल है आज की तारीख में, अमेरिका जैसी जो कि विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है, उसकी स्थिति बड़ी डामाडोल है, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो हमारे देश से अलग देश हुए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उन सब के बावजूद, और ये बात करते हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, अरे भाई देश की स्थिति देखो, आज पूरे हिंदुस्तान में, मैं कल ही नॉर्थ ईस्ट से आया हूँ, नॉर्थ ईस्ट की दशा और दिशा बदल चुके हैं, गांव-गांव तक रोड बन चुकी हैं, जहां लोगों ने कभी रोडें नहीं देखी आज वहां पे 4 लेन हाईवे बन चुके हैं, तो भाई देश में विकास हो रहा है। जहां तक केजरीवाल जी की बात है, इनका समय पूरा हो चुका है, अब ये केवल जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी आदमी है, झूठा आदमी है, तो जो झूठा आदमी होता है, भ्रष्टाचारी होता है, छल करने वाला होता है, वो कभी भी दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं करता है, तो आप ये मान के चलो कि डमी मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहे हैं ये, कि डमी मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, और निश्चित रूप से लालू जी से बहुत ज्यादा प्रेरित है ये, तो लालू जी ने जैसे जेल जाते हुए राबड़ी जी को जेल मुख्यमंत्री बनाकर गए थे, और उसी तरीके से ये अपनी वाइफ को, मुझे तो लगता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है, अगर ये इनके साथ में जैसे इनके जो इंक्वायरी चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन दूर नहीं है कि दिवाली केजरीवाल जी की जेल में बीतेगी। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, दिल्ली कैसे चलेगी? दिल्ली तो अभी भी आपने देखा ही है कि कितना बुरी हालत है, अभी छठ पूजा नजदीक है, और यमुना की स्थिति आप जाके देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे छठ यमुना ना हो, बादल घूम रहे हों, ठीक है, जागे जागे। आज हॉस्पिटलों का एक सर्वे आया है, उसमें ये बताया गया है कि दिल्ली में जो स्वस्थ लोग है उनको भी दमे की शिकायत हो रही है, तो दिल्ली तो गैस का चैम्बर बन चुकी है, इनको केवल ड्रामेबाजी करनी है, इनको काम नहीं करना है, इनको सेवा नहीं करनी है। पहले ये बात बोलते थे कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो हरियाणा और पंजाब की वजह से हो रहा है, पराली को लेकर, भाई अब तो पंजाब में आपकी सरकार है, क्या कर रहे हो आप, अब किसको झूठ बोलोगे, क्या बहाने बनाओगे, लेकिन ये बहानेबाज व्यक्ति है, झूठा आदमी है, इसकी कोई कमिटमेंट नहीं है जनता के प्रति। दिल्ली की जनता आज की तारीख में त्राहिमाम कर रही है। जहां तक नगर निगम की बात है, नगर निगम में भी आप देखोगे, नगर निगम में इनका मेयर बन चुका है, एक दिन सदन नहीं चलाते हैं, डेली आए दिन झगड़े, केवल और केवल ये आक्रांता है बेसिकली, ये इनको कोई जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं, इनको केवल अपने घर भरने हैं। शिव कुमार जी, अगर हम बात करें, करोड़ों रुपए के स्मोक टावर लगाए गए दिल्ली के अंदर, बंद कहां है वो, कहां है पड़े भाई? देखो ऐसा है, इन्होंने केवल सारी बातें झूठी जलाई हैं, कोई योजना पे ये सोचते हैं कि मोदी जी जैसे काम करते हैं मैं वैसे काम
करने की सोचूं, लेकिन मोदी जी काम के लिए बोलते हैं उसको डिलीवर भी करते हैं, और ये महाराज क्या करते हैं केवल खर्चा करते हैं, डिलीवर कभी नहीं करते। इन्होंने स्मोक टावर के नाम पे हजारों करोड़ों के एड निकाल दिए, एक भी स्मोक टावर मुझे दिखा दो वो चल रहा हो। इन्होंने दुनिया भर की गाड़ी की हम स्प्रिंग कराएंगे, वो स्प्रिंगल गाड़ी कहाँ है भाई? क्या उनको भ्रष्टाचार के वो भी संजय सिंह खा गया क्या उसका पैसा? आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हो, हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया मोहल्ला, अरे भाई उनमें डॉक्टर तो आपके ढंग का डॉक्टर नहीं है, जो है वो चल नहीं रहे हैं, कोई टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है, बाकियों में कुत्ते घूम रहे हैं। तो केवल ड्रामेबाजी, स्कूल की इन्होंने बात करी थी, मैं स्कूल इतने स्कूल बना दूंगा, मुझे एक बार एक स्कूल बता दे इनकी सरकार, इनका कोई मंत्री, इनका कोई संतरी, इनका कोई कार्यकर्ता, इन्होंने दिल्ली में पिछले 9 वर्षों में एक भी नया स्कूल बनाया हो। शिवकुमार जी, ऐसे में अगर हम बात करें वो पटाखा व्यापारी जो हर साल एक उम्मीद करता है कि कुछ अर्न करेगा, फिर मर गया दिल्ली के अंदर, कारण ये बताया कि पॉल्यूशन। एक्चुअली में ये क्या है, ये लोग सनातन के विरोधी हैं, सनातन धर्म के, और वो विरोध इनका आए गवाए हमें दिखाते रहते हैं लोग। जब राम मंदिर का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उस समय पे इन्होंने साजिश रची, मैं अगर अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल जी के संदर्भ में बात करूं तो इन्होंने कहा था कि क्या जरूरत है राम मंदिर बनाने की, हॉस्पिटल बना दो। बिल्कुल, श्रीमान केजरीवाल जी, अगर हॉस्पिटल की जरूरत थी तो हॉस्पिटल भी बन रहा है यहाँ पे, आप जाके देखो तो सही। आपकी झूठी बातें और मक्कारी के जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है, वहां जो बोला जाता है वो हो रहा है। आज वहां पे वर्ल्ड क्लास लेवल का एयरपोर्ट बन चुका है, वर्ल्ड क्लास लेवल के हॉस्पिटल बन चुके हैं, वर्ल्ड क्लास के कंपनियां लग रही हैं, वर्ल्ड क्लास, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। और राम मंदिर हमारे सनातन धर्म का एक मजबूत प्रतीक के रूप में, बहुत लोगों की आस्था है उसमें, तो आज आप पाखंड कर रहे हो उस पर भी। शिवकुमार जी, ऐसे में वो कहते हैं रोजगार, रोजगार दिल्ली के अंदर सिविल डिफेंस के नाम पर दिया गया, 5 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिल रही है, धंधा दे रहे हैं। भाई इन्होंने जितनी बातें करी, इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई उसकी योजना है, इन्हें केवल झूठी बातें करनी है, झूठा प्रचार करना है। आप केवल इनकी बात छोड़ो, बाउंसर, इन्होंने जो डीटीसी की बसों में बाउंसर लगाए हैं, क्या कर रहे हैं वो? बिल्कुल, क्या दिल्ली की डीटीसी की बसों में आपने डीटीसी की बस ही नहीं छोड़ी? आए दिन खराब, जो डीटीसी की बसें 10 साल पहले चल रही थी वो डीटीसी की बसें अब एक्सपायर हो चुकी हैं, नई बसें आपने लाई नहीं है। जो मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक बसें दी हैं उसमें आप अपना फोटो चिपका घूम रहे हो। इलेक्ट्रिक बसें, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो जनता देखेगी उनको पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जितनी भी डीटीसी के बस चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें, वो सारी की सारी मोदी सरकार ने कह दी, केंद्र सरकार ने इनको दी है कि भाई ये चलाओ, दिल्ली को बचाओ, लेकिन इन श्रीमान को केवल अपना एड बनाना है, उसमें अपना फोटो लगा दिया। ऐसे में कल लगता है, उम्मीद है कि कल अंदर होंगे। देखो मैं तो जांच एजेंसी को जानता नहीं हूँ, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जो इनके भ्रष्टाचार जो भी इनका अपना इन्होंने किया है उसके आधार पर अपना काम करेगी, लेकिन ऐसा हम मान रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद है कि इनका भ्रष्टाचार का पाप का घड़ा भर चुका है, और अब समय इनका दिवाली मुझे लगता है कि जेल में बितानी चाहिए, और वो होना चाहिए। दिल्ली की जनता तभी खुश होगी कि तब इनको इनके पाप कर्मों का फल मिलेगा।